जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी आंसर की के बारे में। आंसर की तो आप सभी ने निकाल ली होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने भी आंसर की यहाँ पर निकाली है, लेकिन ये सब यहाँ पर निकाल पा रहे हैं कैसे? आप अपना वहाँ पर जाएंगे, लिंक पर जाएंगे, जो लिंक आपको मिलेगा उस पर जाएंगे आप, वहाँ से अपनी जो आंसर की है उसे आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले लिंक से। जी यहाँ से आप अपनी जो भी आंसर की है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। आपकी जो आंसर की है वो आराम से यहाँ पर दोस्तों निकल जाएगी, ठीक है। और आप अपना दोस्तों जो आंसर की है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। इस तरह आपको करना है और हेयर पर आपको क्लिक करना है और ये आपकी आंसर की निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि बिल्कुल दोस्तों एक्यूरेट आपके आंसर पता करना, बिना काउंट किए। ऐसे काउंट नहीं करना है जैसे इसका चौथा यहाँ पर राइट है, इसने दूसरा सेलेक्ट किया है, यहाँ पर ये गलत हो गया। ऐसे यहाँ पर इसको हमें काउंट नहीं करना है। बहुत इजीली एक क्लिक में आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन नंबर कितना बढ़ेगा वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं उसके बारे में। देखो काफ़ी सारी वेबसाइट है भाई, यूट्यूब, इस पे गूगल पर, कोई सी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ना ही मेरी कोई वेबसाइट है, बहुत सारे लोगों ने बना रखी है, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आपको दिक्कत ये हो रही है, कुछ जो वेबसाइट है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग से आपका स्कोर निकाल रही है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, कहीं आपके नंबर ज़्यादा हो और आपको कम नंबर बताए जा रहे हो, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे इस बात पे ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा नंबर थे। तो अब आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। देखो सबसे पहले अपना लिंक जो है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो इसको मैं कॉपी कर लेना हूँ। लिंक आपको वही कॉपी करना है जो आपकी आंसर की का है। जैसे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब आपको आना है एक वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है उस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने स्टडी फॉर जीनियस के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मतलब काफ़ी सारे वेबसाइट है भाई, बहुत सारे वेबसाइट वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में वो भी वर्क करेंगी, थोड़ा सा प्रेशर है बहुत ज़्यादा क्योंकि सभी लोग चेक कर रहे हैं। तो वो जो फेमस वेबसाइट है वहाँ से चेक मत करिए क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, ये वेबसाइट तुरंत खुल जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं इस वेबसाइट पर, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस वेबसाइट का नाम आपको थोड़ा सा समझना है। आपने जो URL कॉपी किया था वो आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, URL रेस्पॉन्स URL, इस पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट एग्जाम करना है जो कि आपका SSC GD कॉन्स्टेबल 2024 होगा। उसके बाद आपको जो है चेक रैंक जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो पूरा खुल जाएगा। देखो मैं नितिन कुमार के आंसर की ही चेक कर रहा था, नितिन कुमार वही है, लेकिन इसमें हमने देखो इसने कितना अच्छा से हमें यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है रीजनिंग का सेक्शन, ये है आपके GK का सेक्शन, ये है आपके मैथ का सेक्शन, ये है इंग्लिश का सेक्शन और ये है हिंदी का सेक्शन। तो इस भाई ने देखो यहाँ पर इसका जो 20 इसने मतलब रीजनिंग में 20 टोटल होता है, इसने 16 राइट किया है। टी का मतलब टोटल, आर का मतलब राइट, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग, एन का मतलब ना का मतलब नॉट अटेम्प्ट, एम का मतलब मार्क्स, ठीक है। तो ये सब इसके मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ना का मतलब ना नहीं होता है, नॉट मार्क्स यानी आपने नॉट अटेम्प्ट, सॉरी नॉट अटेम्प्ट, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है वो है। जैसे कि इसने रीजनिंग में 20 क्वेश्चन मतलब इसने 20 क्वेश्चन मतलब पूरे किए थे, 20 में से 16 इसके सही निकले हैं, 4 इसके रॉन्ग हैं। वहीं आपके GK में इसके 7 राइट है, 11 रॉन्ग हैं, 2 इसने छोड़ दिए थे। और इसके मैथ में 19 सही हैं, 1 रॉन्ग है, और इसने मतलब 0 नॉट अटेम्प्ट है। वहीं इसने 19 हिंदी में सही किए हैं और 1 इसका जो है भाई यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है। तो इसके टोटल जो मार्क्स हैं 113.5 इसके मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं और 5769 इसकी रैंक भी बन रही है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये आपका, ठीक है। लेकिन ये जो मार्क्स यहाँ पर शो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो जी हाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर इस भाई के जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं 61 सही। अब पहले तो आपको 61 का डबल करना है, वो कितना हो जाएगा, ये होगा भाई साहब आपका 60 × 120 और 1 × 2, ठीक है। तो 100 कितना बनेगा भाई, 122 बनेगा, ठीक है। 122 मार्क्स वैसे बन रहा है बिना नेगेटिव काट, मैंने मतलब नेगेटिव हटा के, नेगेटिव मतलब अभी मैंने इसमें हटाया नहीं है,
टोटल 122 बन रहा है वैसे। अब नेगेटिव हटाते हैं, 17 इसके रॉन्ग है। 17 का मतलब क्या हो गया, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 8 × 16, ठीक है। दो इसके क्वेश्चन कटेंगे, दो क्वेश्चन कटेंगे, दो क्वेश्चन के नंबर होते हैं 4 और एक ये है जिसका मतलब एक क्वेश्चन वैसे हो गया, तो मतलब इसके 4 नंबर तो वैसे कटेंगे, ठीक है, 4 नंबर वैसे कटेंगे। तो 122 में से आप 4 घटा लीजिए तो इसके होंगे 118। लेकिन मैं इसके बात करूँ, एक नंबर इसका मतलब यहाँ पर एक जो इसका हमने 16 पर निकाला था और एक क्वेश्चन और हो गया, मतलब एक क्वेश्चन गलत और हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का कितना जाएगा, एक क्वेश्चन का दोस्तों पॉइंटों में जाएगा, तो 117 पॉइंट समथिंग इसके नंबर आएंगे, 117.75 की समथिंग इसके नंबर आएंगे। तो इसके जो नंबर है 117.75 के समथिंग आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे भैया कैसे निकालना है, हमें तो पता ही नहीं है। तो देखो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे 61 आपके ठीक है, पहले तो इसका डबल कर लीजिए, 122 हो गया। फिर आपको जो है आपके जो गलत है रॉन्ग कितने, 17 रॉन्ग है, तो इसका आपको 8 से भाग लगाना है, ठीक है, 8 × 16। तो आपके दो क्वेश्चन आएंगे ना कि नंबर, आपको दो माइनस नहीं करना है इसमें से, आपको दो का डबल माइनस करना है, दो का डबल होगा 4। जैसे 61 का डबल किया था ऐसे ही दो का डबल कर लीजिए, दो का डबल हो गया 4, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट को हमें अभी नहीं लेना है, तो 4 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना, 118। अब 118 आया लेकिन हमारा पॉइंट में भी कुछ कम आएगा, तो हम 117 समथिंग आप पॉइंट में ले लेंगे, 117.75 की समथिंग इसका नंबर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग निकल रहा है। तो पॉइंटों में आएंगे भाई, इतना समझ लेना, क्योंकि 0.1 का नंबर कितना कटेगा वो आप खुद समझदार हैं। मतलब ये समझिए कि 1/8 का कर लीजिए आप इसका भाग, तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो 117 पॉइंट समथिंग, 117.7 की समथिंग इसका यहाँ पर जो है नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 113.5 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से निकाल रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हो जाती है बस, बाकी सब कुछ इसमें सेम है, सही है। बाकी आप ये निकालना, इसके अकॉर्डिंग मत चलना, इसके अकॉर्डिंग मत चलना, ये जो यहाँ पर गलत दिखा रहा है, ये 1/4 की नेगेटिव मार्क से निकाल रहा है। आप देखेंगे ना तो 1/4 इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 × 16 हो गया, ठीक है, 4 × 16 हो गया, यानी 4 आ गया, ठीक है। अब 4 का डबल कर दिया इसने 8, अब पॉइंटों में निकाल दिया फिर बाद में, तो 61 तो ये हो गया, 61 का डबल हो गया 122, 122 में से इसने 8 घटाए हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 114। तो 113, 113.5 समथिंग इसने दिखाया है यहाँ पर, देखो ये रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये निकाल रहा है। तो क्योंकि बाद में दोस्तों आपका जो है पॉइंट बचता, तो इसने 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लगाई है, ना कि 1/8 की, क्योंकि पहले इसको पता था 1/4 की चल रही है, तो इसने वही लगा दिया है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब रैंक आपकी पता चल चुकी है, इसमें 23,000 लोगों ने डाटा दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे 23,381 लोगों ने डाटा अभी तक दिया है यहाँ पर। तो 23,381 लोगों का डाटा हमारे पास यहाँ पर आया है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं 113.5 नंबर इसके अकॉर्डिंग जो बता रहा है 5,759 लोगों के हैं, यानी समथिंग समथिंग देखा जाए तो 5,858 के समथिंग लोग बैठ रहे हैं, जितने इसके 113.5 नंबर जिनके बन रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 113.5 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 117 पॉइंट कितने हैं, 117.75 है, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर बन रहा है फाइनली, जो स्कोर बना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा दोस्तों यहाँ पर कि आप अपनी रैंक यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है उनके भी नाम मैं आपको बता दूंगा, अगर वहाँ से आपका चेक हो जाए तो वहाँ से भी चेक कर लेना, वहाँ बिल्कुल फिक्स आपको बताया जाएगा, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक जो वेबसाइट है वो है रैंक मित्रा, यहाँ से आप अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी चेक कर सकते हो भाई, यहाँ से आपका कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा ये भी यहाँ पर पता चल जाता है। लेकिन इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये अभी खुल नहीं रहा है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइट बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा इसमें सर्वर डाउन होने की वजह से ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे सेम प्रोसेस है, बस URL कॉपी कर पाएगा आपसे, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, एक्स सर्विस में है या नहीं है, नहीं है, URL कॉपी करवाएगा, ठीक है, आपका स्टेट का नाम लिखवाएगा, बस आपको वहाँ पर एक पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो है गेट डाटा पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका रैंक मित्रा पर आपका डाटा निकल के आ जाएगा। लेकिन ये साइड इतनी ज़्यादा बिजी है कि बहुत ज़्यादा बिजी ही चल रही है, इससे आप अपना डाटा भी नहीं निकाल सकते हैं, मतलब अभी देखो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं ले गया था, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन निकलेगा यहीं से ही, अगर आपको अपना नॉर्मलाइजेशन इसको चेक करना है तो यहीं से निकलेगा, रैंक मित्रा से, ठीक है। एक वेबसाइट और है जिसका नाम है रैंक IQ, ठीक है, रैंक IQ, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो,
देखो रैंक आई क्यू एसएससी जीडी जो लिख रहा है, रैंक आई क्यू एसएससी जीडी 2024 रैंक प्रेडिक्शन, तो यहाँ से भी आप अपना जो है अपना रैंक भी निकाल सकते हो। ये तीन तीन चार फेमस वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आ चुका है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे आप, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया वही यूआरएल। कैटेगरी अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है, जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जोन आपका क्या है, मतलब कौन सा आपका स्टेट है, उत्तर प्रदेश है जैसे। और आपका हॉरिजेंटल क्या है, हॉरिजेंटल आपका नॉन रखना है, यानी इसमें ये होता है बेसिकली एक्सेल इसमें है या अदर है कुछ है तो हमें नन रखना है। पासवर्ड इसमें 1 2 3 5 कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे सबमिट क्लिक कर देना है। सबमिट करेंगे, देखिए थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है। देखो ये रहा, इसमें देखो क्या क्या दिखाएगा, इसमें दिखाएगा पॉजिटिव मार्क्स आपको कितने हैं, नेगेटिव मार्क्स किसने बने हैं, बोनस मार्क्स आपको कितने मिलेंगे। बोनस मार्क्स का मतलब होता है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, अटैम्प्ट आपने कितने किए थे, नॉट अटैम्प्ट कितने किए थे, करेक्ट कितने हैं आपके, इनकरेक्ट कितने हैं आपके, ठीक है, और आपके मार्क्स फॉर रिव्यू में कितने हैं, ठीक है, तो ये आपका दिखाएगा। एक्यूरेसी कितनी आपकी आई है वो सब कुछ इसमें दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है टाइम लग रहा है निकालने में, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं जब से चेक कर रहा हूँ तब से यही इसमें जो है यही घूम रहा है लगातार। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको सारी वेबसाइट के नाम बता दिए हैं। इसमें आपको जो है बोनस मार्क्स भी पता चल जाएंगे, बोनस मार्क्स का मतलब है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है। तो ये साइट थोड़ा लेट खुलती है क्योंकि ये प्रोसेस लेती है हर किसी का चेक करने में, ये कोई लोकल वेबसाइट मतलब ऐसी मतलब ये से ऐसा वेबसाइट नहीं है। ये 100% दोस्तों तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसमें 90% आपको डाटा सही निकलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।